लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल श्री उत्पल कुमार सिंह जी, जो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड रहे हैं, प्रसन्नजीत सिंह जी जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स में प्रिंसिपल कमिश्नर रहे, हमारे लोकसभा के डायरेक्टर, तीनों फैकल्टियों के जो ट्रेनिंग करने वाले अधिकारीगण, रेल सेवा के लिए और देश सेवा के लिए समर्पित नौजवानों, आपने यूपीएससी की परीक्षा क्लियर करने के बाद आपको रेल सेवा के लिए आपका आवंटन हुआ है। जब हम रेल सेवाओं को देखते हैं तो दुनिया के अंदर भारत की रेल सेवाएं विश्व की सबसे बड़ी रेल सेवा है और इस सेवाओं ने, इस रेल ने इस देश के समाज को एकता अखंडता के जोड़ने में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। जब हम आजादी के आंदोलन को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो इस आजादी के आंदोलन के अंदर अगर एक दूसरी जगह से अपने संदेश को पहुंचाना, अपनी बात को पहुंचाना, तो उसमें रेल सेवा का बहुत बड़ा योगदान रहा है और इसीलिए रेल हमारे देश और समाज को जोड़ने की एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है और उस परिवार के आप सदस्य हैं। एक रेल परिवार को हमेशा एक परिवार की संज्ञा देते आए हैं बरसों तक। कभी और सर्विस के अंदर परिवार की संज्ञा नहीं जाती है, लेकिन रेल के अंदर रेल परिवार की संज्ञा दी जाती है। ये विशेषता इसकी, जहां आजादी के पहले और आजादी के बाद हमने व्यापक परिवर्तन इन सेवाओं में किया है, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, नई कोचेज बनाने का काम किया है, तेज गति की ट्रेन चलाने के लिए नए इनोवेशन, नए भारत में आप जैसे नौजवानों ने नई टेक्नोलॉजी अपनाई है। आप देखते होंगे कि कश्मीर से कन्याकुमारी लेकर नॉर्थ से उत्तर तक, उत्तर से दक्षिण तक, तमाम जगह सबसे सुलभ और सबसे सस्ता साधन है तो रेल है। जब दुनिया की रेलों का अध्ययन करते हैं, भारत की रेलों का अध्ययन करते हैं, तो सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति भी उसके लिए सबसे बड़ा साधन है तो रेल है और इसीलिए 11,000 से ज्यादा ट्रेन चलने के बाद भी कितना डिसिप्लिन इस रेल परिवार में है कि इतनी जगह ट्रेनें चलने के बाद भी 90 से 95 ट्रेनें अपने सही समय पर गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। हमने काफी व्यापक परिवर्तन किया है,
2030 और 2050 हमने 50 तक कैसी हमारी रेल सेवाएं होगी, इसको लक्ष्य को बनाकर हमने कार्य योजना बनाई है। और ये जिम्मेदारी अब आप पर आने वाली है। आप मैकेनिकल के साइड से भी हैं, इलेक्ट्रिकल साइड से भी हैं, पर्सनल साइड से भी हैं, तीनों सेवाओं में आपका योगदान होगा, देश को योगदान होगा। मुझे पता है कि पहले भाप के इंजन चलते थे, फिर डीजल के इंजन चलने चले, फिर अब इलेक्ट्रिकल इंजन चलने लगे। इलेक्ट्रिक के इस दौर में काफी परिवर्तन हुआ है। मैं एक बार जब सांसद था तो मैंने एक मुद्दा उठाया कि हम क्यों न हमारे पास रेल की जमीनें पड़ी हुई है, सोलर से हम ट्रेन को चलाने का, क्योंकि ट्रेन में जो रेल विभाग जो बिजली लेता था बहुत महंगी लेता था, कहीं 14 रुपये, 16 रुपये, 12 रुपये। तो मैंने मंत्री जी को कहा क्यों नहीं हम ऐसा प्रयास करें कि सब जगह हम सोलर से बिजली चलाए, हमारे पास इतनी जमीनें पड़ी हैं, इतने स्थान पड़े हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर रेलवे इस लक्ष्य के साथ काम कर रही है कि हम 100% इलेक्ट्रिफाइड भी करेंगे और कार्बन शून्य की ओर भी बढ़ेंगे। ये लक्ष्य रेलवे ने बनाया है। अब इस क्षेत्र में इलेक्ट्रिक के जो आप लोग पढ़कर जाएंगे, जो बौद्धिक क्षमता से मजबूत हैं, जिनमें आत्मविश्वास है, देश के लिए काम करने का जुनून है, कुछ परिवर्तन करने का लक्ष्य है, मुझे आशा है कि अपने अपने क्षेत्रों में, चाहे इलेक्ट्रिकल क्षेत्र हो, चाहे मैकेनिकल क्षेत्र हो, चाहे पर्सनल क्षेत्र हो, तीनों सेवाओं के अंदर हमारा बौद्धिक ज्ञान, हमारी नई टेक्नोलॉजी, हमारी आईटी सेक्टर, इन तीनों का उपयोग करते हुए हम किस तरीके से इस रेल सेवा को समाज के अंतिम व्यक्ति तक, अब सेवा रेल सेवाएं नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर राज्यों में पहुंच गई है, दुर्गम इलाके, पहाड़ियों, अभी कुछ दिन आपने पहले पढ़ा होगा कि सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज भारत की रेल बना रही है, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज बना रही है। ये हमारे मैकेनिकल और सिविल सर्विस के नौजवानों की नई इनोवेशन है। ऐसे कई सारे सेक्टरों के अंदर हमने रेल का व्यापक विस्तार किया है, रेल लाइनों का विस्तार किया है। अभी भी संसद के अंदर सबसे ज्यादा अगर माननीय संसद सदस्य अपने क्षेत्र की समस्याओं, अभावों की चिंता करते हैं तो रेल की करते हैं। अब जनप्रतिनिधि रेल की समस्याओं, अभावों को क्यों उठाते हैं, ये आपको संसद के इस दायरे में समझना होगा। जिससे ज्यादा अपेक्षा है, आकांक्षाएं हैं, वही मुद्दे हमेशा संसद में उठते हैं। संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर भी है और सर्वोच्च संस्था भी है। मंदिर इसलिए, यहां लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उनकी उम्मीदें पूरी इस लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से होती है, इसलिए ये मंदिर भी है। यहां से नीतियां बनती हैं, कानून बनते हैं। तो जब आप संसद के इस गलियारे के अंदर दो दिन आप
जब विजिट करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, तो आपको यहां की लाइब्रेरी को देखना चाहिए किस तरीके से यहां पर 1857 से लेकर अभी तक डिबेटें पड़ी है, क्या क्या लोगों ने रेलवे के मुद्दे उठाए, क्या जनप्रतिनिधियों की अपेक्षाएं रहती है, आकांक्षाएं रहती हैं, उन सवालों जवालों का अध्ययन करना चाहिए ताकि आपको 130 करोड़ जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उम्मीदें एक स्थान पर मिल सकती है तो भारत का लोकतंत्र संसद से मिल सकती है। इसलिए मैं सरकार को भी कहता हूं कि पूरे देश की समस्याओं को एक स्थान पर अगर हम समझ सकते हैं तो भारत की संसद है, जहां 130 करोड़ जनता से ज्यादा लोगों के प्रतिनिधित्व करने वाले जनप्रतिनिधि बैठते हैं, हमारी अलग अलग विविधताएं हैं, हमारी भौगोलिक स्थिति अलग अलग है, हमारी संस्कृति संस्कार की अलग अलग विशेषताएं हैं, लेकिन उस सब के बाद भी उन विविधताओं ही हमारा एकता का सूत्र है। विश्व के कई देशों के अंदर विविधता लोगों को तोड़ती है, लेकिन भारत की संस्कृति में विविधता लोगों को जोड़ने का काम करती है, और उसमें सबसे ज्यादा हमारा लोकतंत्र का मंदिर संसद है। इसलिए दो दिन आपको अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कोरोना इस कारण आपको हम लोकसभा की कार्रवाई नहीं दिखा सकते, लेकिन हम बड़ी स्क्रीन के अंदर आपको पुराने में प्रसन्न जी से कहूंगे, पुराने रेलवे के जितने भी मुद्दे उठते आए हैं, लोगों ने उठाए हैं, उन मुद्दों की एक सीडी आपको दें, ताकि आज यहां से जब आप ट्रेंडिंग करके जा रहे हैं तो भविष्य को देख के जाएंगे कि ये मुद्दे देश के अंदर है, साउथ में क्या है, नॉर्थ में क्या है, पूर्व के अंदर, क्योंकि हर जगह अलग अलग भौगोलिक स्थितियां हैं। कि जब मैकेनिकल का इंजीनियर जाएगा तो जो पहाड़ी इलाके के अंदर रेल बेचनी होगी तो उसमें खर्चा ज्यादा आएगा, जब पठारी में बेचना हो तो उसका अलग खर्चा आएगा। तो हमें एक साथ इस लोकतंत्र के मंदिर से उन बातों को समझना पड़ेगा, लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षा, उम्मीदों को समझना पड़ेगा, उसके आधार पर अपनी योजनाओं को बनाना पड़ेगा। क्योंकि संविधान ने यह हमें दिशा दी है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं हों, जनता जनता के लिए, जनता को बीच में बनकर योजनाएं बने। इसीलिए भारत का संविधान दुनिया के अंदर सबसे लोकप्रिय भी है और सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित भी है। इसलिए दुनिया के अंदर जब कभी भी संविधान बनते हैं तो भारत के संविधान उनका मार्गदर्शक की भूमिका में होता है। अब आप कल्पना करिए कि इतने साल पहले उन्होंने 100 साल बाद कैसा भारत होगा उसकी कार्य योजनाओं को देखते हुए संविधान बनाया। उनको पता था कि समय समय पर आवश्यकता के अनुसार समय संविधान में परिवर्तन भी करना पड़ेगा, इसलिए संविधान को लचीला भी बनाया ताकि आवश्यकताओं के अनुसार संविधान में परिवर्तन करने का अधिकार भी संसद को। लेकिन कई बिंदुओं पर, कई अनुच्छेद, कई अनुसूचियों के अंदर उसमें परिवर्तन न कर सके, मूल ढांचे से कोई छेड़छाड़ न कर सके, ये कठोरता भी संसद के संविधान में दी है। इसी तरीके से जब आज वापस जाएंगे आप तो आपको आगे 100 साल की कार्ययोजना बनानी पड़ेगी। जब हमारे आजादी के 100 साल होंगे तो हमारा देश कैसा होगा, हमारी रेल सेवाएं कैसी होगी। मैं क्योंकि अधिकतम समय रेल में ही यात्रा करता हूं, मैंने पिछली बार जब रिकॉर्ड उठाकर देखा तो सबसे ज्यादा एज ए स्पीकर, अगर सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी, सबसे ज्यादा मेरी रेल यात्रा होगी। क्योंकि रेल यात्रा सुरक्षित भी है और आरामदायक भी है।
इसीलिए रेलवे ने विशेष रूप से सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया है, ट्रेन सही समय चले इसका ध्यान दिया है। हमारे रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हो, बढ़िया रेलवे स्टेशन हो, हमने 100 रेलवे स्टेशनों की प्लानिंग अभी बनाई, आगे भविष्य के अंदर सब रेलवे स्टेशनों को कैसे वर्ल्ड क्लास बेहतरीन कर सकते हैं उसकी कार्य योजना बनाई। आज भी आप रेलवे स्टेशन पर चले जाए तो सबसे साफ सुथरा रेलवे स्टेशन ही मिलेगा, इतने लोगों के आने आवागमन के बाद। जैसे ही रेल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है, वह रेक मैदान में जाती, तो आपने अधिकतम देखा होगा कि रेल की हर चीज की जांच होती है, छोटी छोटी चीजें भी बारीकी से देखी जाती है। इसलिए रेलवे के अंदर कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि लाइट बंद पड़ी है तो सालों से बंद पड़ी है, महीनों से बंद पड़ी है, सीट फटी हुई तो महीनों से पड़ी हुई। ये एक सिस्टम है रेलवे का। मैंने इतनी सर्विसेज में देखा कि रेलवे का जितना बेहतरीन सिस्टम मैकेनिज्म सिस्टम जो है वो किसी भी सेवाओं में नहीं है, और ये ही हमारी रेल परिवार की ताकत है। जो यहां जा रहा है समर्पित भाव और देश सेवा राष्ट्र सेवा के समर्पित भाव से जा रहा है, और जब जिस सर्विस के अंदर जैसा अनुशासन होता है, जैसा डिसिप्लिन होता है, जैसे रूल रेगुलेशन होते हैं, जैसा सिस्टम होता है, परंपराएं होती है, परपाटियां होती है, आने वाला भी उसी दिशा में काम करता है। केवल इनोवेशन की दृष्टि से हमें बहुत परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अभी भी दुनिया के कई रेलवे स्टेशनों को रेल स्पीडों को देखते हुए हमने भी हमारी भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए हमारे वातावरण को देखते हुए हमने परिवर्तन किया है, क्योंकि दुनिया के अंदर जब वास्तविक भारत के अंदर जब रेल चलती तो रेल के आसपास हमारी आबादियां बसी हुई है, और विश्व के अंदर कई देशों के अंदर रेल के पास आबादी बसी हुई नहीं है। इसलिए हमें उन लोगों का भी ध्यान रखना पड़ता है, उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ता है, रेलवे की सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो हम कोई विदेशों के आधार पर भारत की योजनाएं नहीं बना सकते, हमें उनकी अच्छी इनोवेशन को लेना चाहिए, लेकिन योजना बनाते समय भारत की स्थिति को देखते हुए, वहां के वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए योजना बनानी चाहिए। इसीलिए आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है नए रेलवे के मॉडर्नाइजेशन करने की, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने की, दुनिया के सबसे बेहतरीन रेल नेटवर्क बनाने की। लेकिन उस योजनाओं के अंदर समाज का गरीब से गरीब व्यक्ति रेल यात्रा कर सके, इस भावनाओं के आधार पर हमारी काम करने की कार्य योजना होना चाहिए। इसी के साथ आने वाले समय के अंदर हमें मालगाड़ियों के अंदर उनकी व्यवस्थाओं में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया के अंदर जब जलवायु परिवर्तन पर डिबेट चर्चा कर रही है तो उसमें कार्बन को घटाने में अगर सबसे बड़ा योगदान होगा तो रेलवे का होगा। अगर हमने रेलवे के अभी बहुत परिवर्तन आवश्यकता, मैं कहता रहता हूं रेल मंत्री जी को कि अभी हमें माल भाड़े के अंदर जिस स्पीड से वर्क करना चाहिए अभी उस स्पीड से वर्क नहीं हो रहा। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि 50% हम माल गाड़ियों पर अपने मालों को सामानों को अल्पकालीन रूप से खराब होने वाली वस्तुओं को तमाम चीजों के लिए जो 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 वस्तुएं खाद्य वस्तुएं हैं सामान है उन सब में हमें बहुत परिवर्तन करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने अगर हमारे माल ढोने वाली रेल मालगाड़ियों को बेहतरीन और उनकी स्पीड को अच्छी कर दिया, उनके माल गोडाउन को मैकेनाइज कर दिया, अभी क्या स्थिति है
कि कहीं भी चले जाओ आपके मोल माल गोदाम कहीं भी मैकेनाइज नहीं है। अभी अधिकतम जगह ह्यूमन सोर्सेस काम कर रहे हैं, हमें उनको मैकेनाइज करना है, आधुनिकीकरण करना है। जैसे ही माल गोडाउन से माल उतरे तुरंत माल उसके गंतव्य स्थान पर पहुंच जाए उसकी प्रक्रिया को करना है। इस दिशा की ओर हम काम करने लगे तो आने वाले समय के अंदर हम 50% अगर माल लदान माल ट्रेनों से करने लगे तो मुझे लगता है कि हम पोल्यूशन को भी कम कर पाएंगे, सस्ता लोगों को माल पहुंचाने में सिद्ध होंगे, रोड हमारी खराब नहीं होगी, रोड एक्सीडेंट नहीं होंगे, इन सब चीजों से बचा सकता है। इसलिए आप नौजवान हो, आपको इस दिशा के अंदर भी जब जाते ही सबसे पहले इस दिशा की ओर भी कार्ययोजना बनाना चाहिए। अपने उच्च अधिकारियों को ऐसा नहीं होता कि उच्च अधिकारी अनुभव के आधार पर काम करते हैं, लेकिन नया नौजवान, नया इनोवेशन, नया आत्मविश्वास, नए बदलते परिप्रेक्ष्य की जितनी उसकी समर्थ शक्ति है उस पर हम पूरे देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर गर्व करते हैं। भारत के नौजवान आज बौद्धिक क्षमता के अंदर आत्मविश्वास की दृष्टि से सबसे मजबूत हैं। दुनिया के अंदर जहां भी मैं जाता हूं देखता हूं, आईटी हो, इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर हो, हर प्रोफेशनल साइट में उस देश की तरक्की योगदान में भारत का नौजवान का ही योगदान है। इसलिए हमारा इसी आत्मविश्वास से काम करना चाहिए, क्योंकि मैं भी आपके रेल परिवार का एक हो गया हूं। मेरी बेटी भी रेलवे के अंदर है पर्सनल साइट में, इसलिए वो मुझे बताती रहती है। ऐसे मैं खुद भी व्यक्तिगत रूप से रेल में चलने के कारण काफी अनुभव मेरी ट्रेनों के बारे में, रेल के बारे में है। मैं समय समय पर रेल मंत्री जी को अवगत कराता रहता हूं। नए आपके इनोवेशन, नए आत्मविश्वास, भारत के प्रति समर्पित भाव इस रेल परिवार को और वर्ध करेगा। यहां की संस्कृति, यहां के संस्कारों को, यहां की प्रॉपर्टियों की परंपराओं को विकसित करने में अपना योगदान देगा। भारत के लोकतंत्र के अंदर जो हम यहां से दो दिन सीख कर जाएंगे उस लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षा, उम्मीदों को पूरा करने का काम करेंगे। जनप्रतिनिधियों से हमारा संपर्क रहेगा, इनपुट उनसे लिया जाएगा, उसके आधार पर कार्य योजना बनाई जाएगी। जितना आप जनता से आपका कनेक्ट रहेगा, चाहे माल गोडाउन में काम करने वाला कर्मचारी हो, चाहे रेलवे में काम करने वाला कर्मचारी हो, हर छोटे से छोटे व्यक्ति भी आपको ट्रैकमैन से भी आपका कनेक्शन होना चाहिए कि ट्रैकमैन क्या अनुभव करता है। अब तो ज्यादातर गेट बंद गेंद जो गेट में जो गेटमैन होता है वो क्या अनुभव करता है, अंदर ट्रेन में सफाई करने वाला क्या अनुभव कर सकता है, उसमें क्या नया परिवर्तन हो सकता है। इतनी डीप तक जितने आप छोटे कर्मचारी से मिलकर संवाद करोगे, चर्चा करोगे, उतने ही आपको अच्छे इनपुट मिलेंगे, क्योंकि उनका तो अनुभव है और आपका नया ज्ञान है। उनके अनुभव का लाभ उठाया जाए, आपके नए ज्ञान, नए इनोवेशन का लाभ हो, और दोनों का मिश्रण करकर एक व्यापक कार्य योजना बनाए। और इस बीच के जितने भी हमारे अधिकारी जाएं, वो रेल को नई ऊंचाई पर पहुंचाने में योगदान दें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। I will now request Shri Prasanjit Singh ji to propose a vote of